अब रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके नाज़रीन, दिल अपना पाकिस्तान के साथ आज इंतखाब अहमद एक्स पाकिस्तानी कैप्टन इमरान साहब के साथ हैं और यहाँ पे हम एक ख़ास मकसद के लिए आए हैं और वो मकसद है वेलकम करना। पाकिस्तानी टीम यहाँ पे आ रही है और वो यहाँ पे ट्रायंगुलर टूर्नामेंट खेलने आ रहे हैं चाइना और कनाडा के दरमियान। तो आइए इमरान साहब से बात करते हैं। इमरान साहब, बताइए कि आप ये जो इवेंट हो रहा है यहाँ पे, पहले वेलकम बताएं आप अपनी टीम को, पाकिस्तानियों को यहाँ पे, बल्कि दुनिया भर के जो शायकीन हैं उन्हें बताएं हॉकी के यहाँ पे क्या होने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एवरीबॉडी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान हॉकी टीम को वेलकम करता हूँ वैनकूवर में, सरी में, और आई होप कि वो यहाँ पे जिस मकसद के लिए आ रहे हैं उसमें कामयाब होंगे। उनको बेस्ट विशेज़ भी हैं मेरी। एक्चुअली पाकिस्तान हॉकी टीम जो डेवलपमेंट स्क्वाड है वो यहाँ पे प्रैक्टिस मैचेस के लिए आ रहा है। जूनियर प्लेयर्स भी हैं उसमें, कुछ अंडर 21 प्लेयर्स भी हैं, तो आई होप कि उनकी जो यहाँ पे परफॉर्मेंस है वो बेहतर होगी। और साथ साथ मैं जो यहाँ पे अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी है और दूसरे जितने भी लोग हैं उनको ये मैं दावत देता हूँ कि वो आके पाकिस्तान टीम को स्टेडियम में भी सपोर्ट करें, ताकि उनको ये महसूस ना हो कि वो पाकिस्तान से बाहर हैं, बल्कि ये महसूस हो कि वो पाकिस्तान में खेल रहे हैं और अपनी कम्युनिटी के सामने खेल रहे हैं। और सरे का ग्राउंड जो है वो तो बिल्कुल देसी ग्राउंड है और वहाँ पे हमें ये लग रहा है कि क्राउड ज़्यादा आएगा। जी जी, तो हाँ, तो होपफुली रेडियो से और टीवी के दूसरे चैनल से भी आप लोगों ने क्या किया, किस तरीके से लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं? जी, जब से हमें पता चला कि पाकिस्तान हॉकी टीम सरे में आ रही है, वैनकूवर में आ रही है मैचेस खेलने के लिए, तो हमारी तो यही कोशिश है और इसमें हम लगे हुए हैं। काफ़ी हद तक हम उसमें कामयाब भी हुए हैं कि हम अपना मैसेज लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि लोग आके पाकिस्तान हॉकी टीम को सपोर्ट करें और मैचेस भी देखें। तो उसमें हमने सोशल मीडिया पर भी, टीवी पर भी, न्यूज़पेपर्स में भी, आपके चैनल के थ्रू भी हमने काफ़ी हद तक कोशिश की है कि लोगों को एक मैसेज पहुंचाया जाए। मेरा ख्याल है कि आई होप के लोग आएंगे, मैचेस देखेंगे, तकरीबन सबके पास मैचेस का शेड्यूल पहुंच गया है, तो आई होप के लोग आके ग्राउंड में भी टीम को वेलकम भी करेंगे, उनको सपोर्ट भी करेंगे। ठीक है इमरान, एक बार फिर आप स्केड्यूल का स्टार्ट डेट और एंड डेट बता दें, बाकी तो वो देख लेंगे कहाँ कहाँ पर मैचेज हो रहे हैं। तो ये 21 जून से शुरू जी जी बिल्कुल, पाकिस्तान टीम आज पहुंच रही है, ये 19 जून को एक वार्म अप मैच खेलेगी, फिर उसके बाद 21 जून को पहला मैच है कनाडा के साथ, और टिल एंड 2 जुलाई को दे आर गोइंग बैक टू पाकिस्तान। तो इसके दौरान उन्होंने 5 मैचेस खेलने हैं, एक चाइना के साथ खेलना है और बाकी कनाडा के साथ खेलने हैं। तो आप लोग हमारे जो एक हमारा है अपना पाक कैन फील्ड हॉकी क्लब की वेबसाइट है, उस पर जाके आप अपना देख सकते हैं शेड्यूल को भी, मैचेज़ की टाइमिंग को भी, और उसको आप फॉलो कर सकते हैं। उसमें पाक कैन फील्ड हॉकी क्लब www.parkcanfieldhockeyclub.com। अच्छा इमरान, एक और बात बताइएगा कि आप लोग एक डिनर भी रखा है आप लोगों ने टीम से मिंगल करने का, और वो डिनर जो है इट्स वेरी नॉमिनल कॉस्ट है, $25 जो रखी है आपने, बहुत नॉमिनल कॉस्ट है। मैं अर्ज करता हूँ कि पाकिस्तानी कम्यूनिटी ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, बल्कि वो इमरान और या जहांगीर भाई को या मुझे भी कॉल करके वो पूछ सकते हैं, ताकि हम सीटिंग इज़ लिमिटेड। तो आप इस पर बताना चाहेंगे कि कितने लोगों की कैपेसिटी है? जी, वहाँ पे हम विलेज बारबेक्यू पे कर रहे हैं 22 जून को एक कह लें कि वेलकम डिनर कर रहे हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए। उसमें बेसिकली इट्स कॉल के हम उसको कह रहे हैं प्राइड डिनर फॉर पाकिस्तान हॉकी टीम, तो वहाँ पे सबको हम इनवाइट भी कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में कि काफ़ी ज़्यादा लोगों में जोशो खरोश भी पाया जाता है। बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भी, इवन हमारे पंजाबी भाइयों ने भी हमें काफ़ी सपोर्ट किया इसमें, और हमने उन सबको इनवाइट भी किया हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा हमें लोगों ने होप भी दिलाई है कि जी वो आएँगे और हमारे लिए भी एक कह लें कि एक प्राउड के मोमेंट आ कि जी पाकिस्तान हॉकी टीम इधर आके खेलेगी, वहाँ पर हम अपने प्लेयर्स को भी मिलेंगे, और हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसको उनको मैं सबको यही दावा देता हूं कि वो विलेज में, विलेज बारबेक्यू में आएं और आके अपनी टीम के साथ गेट टुगेदर करें। जी नाज़रीन, तो देखें ये आपको बहुत बेहतर मौका मिल जाएगा अपनी टीम से मिलने का, और पाकिस्तान की हॉकी हो या क्रिकेट हो तो ये हमारे दिलों में बसती है इसी तरह जैसे दिल अपना पाकिस्तान। तो देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान।